वेरी गुड मॉर्निंग के गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है भाइयों, चलिए। वेरी गुड आफ्टरनून। और कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ घरेलू नुस्खे वो ये कि जैसे मेरे जेब में कपूर रखी है, आप लोग भी कपूर वपूर रखो जेब में, और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना वोरोना को सबको उड़ा देंगे हम। हाउ द जोश। हाँ देखो, टॉपिक आज का जो है मुद्रास्फीति, इंग्लिश में से इन्फ्लेशन कहते हैं, हिंदी में मुद्रास्फीति। मूल बात ऐसी है प्यारे बच्चों कि ये जो टॉपिक हैं, ये सारी परीक्षाएं, चाहे वो आपकी सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, चाहे आपकी जो खास करके एसएससी की परीक्षा हो, चाहे आपकी संविधान में जो मुद्रा वाला चैप्टर है, चाहे एमपी पुलिस हैं, रेलवे हैं, सब जगह इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी आप मुद्रास्फीति को जानते नहीं हो, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये क्या चीज़ है, बट अब जब इसको जान जाओगे तो अपने आप आपको लगेगा कि सच में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बेटा सबसे पहले मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा स्फीति की बात कर रहे हैं, मुद्रा स्फीति, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। इस शब्द में सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने लिखा है, तो बच्चा देखो, एक लिखा है मुद्रा और दूसरा स्फीति, यानी कि इसको समझने से पहले हम मुद्रा को देखते हैं। मुद्रा मुद्रा यानी करेंसी, और भारत की मुद्रा आप सब जानते हैं क्या है, रुपया। अब रुपये की क्या वैल्यू है हमारे लिए, हम वास्तव में आज के ज़माने में हम देखें तो रुपये की क्या आवश्यकता है, तो रुपये की ये आवश्यकता है कि आज आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें लेन देन हो रहा है, यानी जो भी परचेसिंग हो रहा है, या जो सारा सिस्टम है यानी वस्तुओं का जो आज विनिमय हो रहा है, यानी कि जो वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज़ से संभव है, और वो क्या है, मुद्रा। रियलिटी ये है कि व्यक्ति कहता है कि पैसा बड़ा बलवान है, कि बोले बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्या ये यथार्थ हो जाए कि जब रुपये की वैल्यू कम हो जाए, यानी कि कहा ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन जब ऐसा समय आ जाए कि रुपये की वैल्यू कम हो जाए, यानी जो हमारी मुद्रा है उसकी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाए, यानी कि जो मुद्रा है उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी कि मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, तो ये एक समय होता है, एक पीरियड होता है। और ऐसा कब हो सकता है कि पैसे की वैल्यू कम हो जाए, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। और उसी समय में जब वो पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो उस समय हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारे पास पैसा है या पैसा उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। यानी कि जैसे आपको ये फील होने लगे कि आप 1,000 रुपया लेकर अपने बाजार में, अपने मार्केट में, सारे खाने की दुकान पर चले जाएं और आपको एक चपाती भी ना मिले, कैसा होगा कि 1,000 रुपये आपकी जेब में है और आपको एक चपाती नहीं मिल रही है। व्यक्ति कह रहा है 1,000 रुपये में कौन सी चपाती आते हैं। आप मेरे पास कोचिंग के लिए आए और आपने कहा सर मुझे तैयारी करनी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है बैठिए। आपने पूछा सर फीस कितनी है। मैंने कहा 1 करोड़। आप उठ के भाग जाएंगे, बोले ये क्या यार, बोले 1 करोड़ कोई फीस होती है, बोले या तो ये आदमी पागल हो गया मजाक कर रहा है। कुल मिला के बात ऐसी है कि जहां कहीं वस्तुओं और सेवाओं के सिस्टम की वजह से, या वस्तुओं और सेवाओं के या तो उनके उत्पादन में कमी आने की वजह से, या उनकी लागत में वृद्धि हो जाने की वजह से, या किसी भी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम हो जाए, और वैसे में जो मुद्रा की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो पैसों की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। और इसे हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं, महंगाई। तो आप बात समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बोला, अभी वर्ड्स एक ही वर्ड लिखा है बोर्ड पर, मुद्रा स्फीति, यानी कि वस्तु और सेवाओं के लागत या उनके उत्पादन में कमी आने की वजह से जब मुद्रा का जो खास करके वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं, या इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई के नाम से जानते हैं।
प्यारे बच्चों, मुद्रास्फीति की हम बात कर रहे हैं, तो ये मुद्रास्फीति को मैं यहाँ पर महंगाई लिख लूँ, महंगाई, ताकि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। सारा मैटर ही यहीं क्लोज है और कई सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। जैसे आपको पता चला कि इसको महंगाई कहते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ठीक है, अब प्रश्न के उत्तर सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टर्म्स का बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब टर्म्स का अर्थ होता है कि जो शब्द होते हैं और वो शब्दों का बड़ा मीनिंग होता है, और शब्द जब समझ में आ जाते हैं तो फिर उत्तर अपने आप बन जाता है। कोई बड़ा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, हम सभी के जेब की बात है, हमारे घर की बात है, हमारे लेन देन की बात है, पैसों की बात है, तो अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स सर्व आदमी के अपने रियल लाइफ से जुड़े हुए पार्ट है, और सबको समझना एक अपने आप में व्यक्ति के अपने विकास के लिए भी आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। तो यहाँ पर जैसे मुद्रास्फीति है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है, यानी कि इसके बिहाइंड द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसके कारण, तो ये मुद्रास्फीति के दो कारण होते हैं। पहला, मांग जनित, हाँ हाँ बताइए, नोट्स पीडीएफ नहीं मिलेगी, अभी सारा लिखना है तुम सबको, जो है ना बहुत आलसी हो गए हो, अभी लिखवाता हूँ मैं, सारा का सारा लिखते जाना है, कॉपी पेन लेके बैठिए सारे के सारे, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, कोई डाउट होता तो पूछ लेना, अभी लिखवा रहा हूँ मैं सारा, कॉपी पेन इकट्ठा कर लो अपने पास। मांग जनित और दूसरा लागत जनित। चलिए अभी समझ लीजिए, पहले लिखवा दूंगा मैं, घबराइए मत, आपको लिखवाने के लिए मैं प्रॉपर बोलूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पुरानी आदत है हमारी। तो यहाँ पर मैंने कारण की बात करी है, पहले मुद्रास्फीति बताया, दूसरा बता रहा हूँ मैं मांग जनित, और दूसरा क्या बताया मैंने, लागत जनित। यानी कि देखो क्या होता है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के संबंध में आज हम एक तो सेवा देखते हैं और दूसरा वस्तु देखते हैं। वस्तु में आइटम है, सारी चीज़ें जो आप परचेस करते हो सब वस्तुएँ हैं, चाहे आप कुछ भी खरीदें। सेवा का अर्थ होता है कि आप ऐसी चीज़ जिसमें कुछ समय के लिए उसकी सेवा लेते हैं, जैसे आपने बस में बैठे और एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, उसके बाद आप कोई बस खरीद के तो लाए नहीं, तो होटल में गए, खाना खाया, रेस्टोरेंट में बैठे, तो ये सारी चीज़ें सेवा के अंदर आती है। तो वस्तु और सेवा, इन दोनों के संदर्भ में ये जो मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई होती है, दो प्रकार से होती है, एक तो मांग जनित और दूसरी लागत जनित। मांग जनित का अर्थ होता है इंग्लिश में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो जो खास करके हम बात करते हैं डिमांड की, किसकी बात करते हैं, डिमांड की। डिमांड का क्या अर्थ होता है कि भैया एक तो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन हो रहा है, यानी कि किसी वस्तु का जो प्रोडक्शन है, यानी कि उसका जो उत्पादन है, यानी कि जो उसका उत्पादन है, अब उसके उत्पादन में तो कमी आ जाए लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि पूरी महंगाई डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चल रही है, मांग और आपूर्ति, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति क्या हो जाए, कम, और उनकी मांग हो जाए बहुत ज़्यादा। यानी कि सिंपल सी बात ये है बच्चों कि जैसे कि गर्मी के महीने में हर व्यक्ति को कूलर की आवश्यकता हो और मार्केट में कूलर खत्म हो जाए, तो जिसके पास 2-4-5 कूलर हो गए तो कूलर महंगा देगा। अब इसको ऐसे कैसे देख सकते हैं, उत्तराखंड की त्रासदी को लेते हम, जब बादल फट गए और उत्तराखंड में लोग फंस गए, तो एक एक पार्ले जी का बिस्कुट का पूड़ा लोगों ने 1000-1000 रुपये में बेचा, क्योंकि सारे फंसे हुए थे, वहाँ पर डिमांड थी कि कुछ खाने का मिले, लेकिन चूंकि आवागमन के साधन खराब हो चुके थे, कुछ चीज़ें वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, तो जो लोगों के पास उपलब्ध थी उन्होंने उसकी डिमांड के आधार पर बोल दिया। अब व्यक्ति को वहाँ क्या लग रहा है कि यार जान बची तो लाख हो पाए, बोले इन पैसों का क्या करूँगा, 1000 रुपये लगे, 10,000 लगे तो लगे, लेकिन जो भी कुछ मिल जाए तो उससे अपना काम चला लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो एक्सीडेंटल है, लेकिन क्या होता है कि जब एक्सीडेंटल केस एक अलग चीज़ हो जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं में ऐसा होता है, लेकिन जब ओवरऑल पूरे देश में एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश के अंदर जो हमारे टोटल उत्पादन के साधन हैं वो किसी भी वजह से या तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाए और या फिर वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से मास्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मास्क का क्या हो रहा है, अचानक बोले यार मास्क पहनो मास्क पहनो मास्क पहनो और सब सैनिटरी मास्क खोजना शुरू कर रहे हैं, तो ये जो डिमांड है, तो डिमांड की वजह से क्या होता है कि वस्तु है नहीं और उसकी मांग ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, अपने आप वो महंगी हो जाती हैं। तो एक तो ये रीज़न होता है, दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है लागत जनित, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इसको यूँ कह समझ सकते हैं आप कि यदि कोई चीज़ पैदा हुई तो उसके उत्पादन में
तो यानी जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में कहीं सारा खर्चा आया, यानी कि कोई चीज मान लीजिएगा 1000 रुपए में बनके तैयार हो रही है तो उसकी कीमत 1000 रुपए से कम नहीं हो सकती, सिंपल सा मेथड है। और अगर कोई चीज 10,000 में बन रही है तो व्यापारी लोग क्या उसको 10,000 से कम में बेचेंगे? कभी नहीं बेच सकते हैं, यानी वो 10,000 से ज्यादा में ही बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो लागत होती है यानी लागत में वृद्धि हो जाती है तो सिंपल सी बात है कि फिर वो चीज भी महंगी मिलेगी। यानी कि कोई भी चीज अगर बनने में उसके प्रोडक्शन में, अब बनने में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक तरफ मजदूर 100 रुपए में मिल रहा है, एक जगह मजदूर 1000 रुपए में मिल रहा है, एक तरफ तकनीकी स्तर पर कुछ मशीनें बहुत सस्ती हैं, कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं, कई जगह कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों से बन रही है जो मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके आधार पर खास करके हम बात करते हैं तो किसी वस्तु का एक उत्पादन होता है या वस्तु तैयार होती है। तो जब उसके तैयार होने में जितना खर्चा आएगा वस्तु उतनी ही महंगी होगी, सिंपल सी बात है। तो दो चीजों के आधार पर हमने मुद्रास्फीति या महंगाई को देखा कि एक तो लागत के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर देखा हमने, मांग के आधार पर, यानी कि वस्तु की आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, और दूसरा यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, दूसरा उसकी कॉस्ट जो है खास करके उसके प्रोडक्शन में यानी उसके उत्पादन में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो सिंपल सी बात होती है कि चीज क्या मिलेगी, महंगी मिलेगी। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये दो प्रकार होते हैं मुद्रास्फीति के। तो यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कि PDF मिलेगी या लिखने वगैरह का है, तो आप हेडिंग लगाओ और लिखिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, एक छोटी सी हेडिंग लगाओ और लिखो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति के साथ में लिखिएगा, लिखो वस्तु और सेवाओं की, वस्तुओं व सेवाओं की, वस्तुओं व सेवाओं की मांग अधिक हो जाने, मांग अधिक हो जाने, मांग अधिक हो जाने व उसकी आपूर्ति में कमी आ जाने, वह उसकी आपूर्ति में कमी आ जाने के साथ ही जब मुद्रा की लागत में परचेसिंग पावर लिख लेना कोष्टक में, मुद्रा की लागत में कमी आती है या मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और आम बोलचाल में इसे महंगाई कहते हैं। इसके नीचे लिखो मुद्रास्फीति के कारण। तो पहला लिखिएगा मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। और दूसरा लिखिएगा लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो आप मांग जनित मुद्रास्फीति में लिखिएगा कि उत्पादों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण आई महंगाई। इसके बाद दूसरी हेडिंग लगाइए और लिखिए लागत, लिखिएगा उत्पादों की लागत में वृद्धि हो जाने से आई महंगाई को हम क्या कहेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहेंगे।
तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, यहाँ पर लिख के रुक जाइएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या लिखवाना सही है, या सिर्फ समझा दूँ आपको नोट्स, आपको जो है फिर ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, तो ये लिखी हुई सारी बातें तो आपको मिल जाएगी हैंड रिटन। आप मुझे कमेंट करके बताइए पहले, लिखवाने के लिए रिपीट करने की कह रहे हैं। चलिए तो बेटा उत्पादों की, यहाँ पर हमने इस वाले में लिखेगा उत्पादों की मांग व आपूर्ति में आए असंतुलन के कारण पैदा हुई महंगाई को मांग जनित मुद्रास्फीति, और बेटा यहाँ पर बताया हमने कि उत्पादों की लागत में वृद्धि हो जाने की वजह से आई हुई महंगाई को हम क्या कहेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। शायद समझ में आई होगी आपको डेफिनेशन मुद्रास्फीति की। तो बेटा मुद्रास्फीति यानी महंगाई, और महंगाई के संबंध में मैंने बताया था आपको कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाने व उनकी आपूर्ति ना होने की वजह से मुद्रा की जो लागत होती है उसमें जो कमी आती है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में से महंगाई समझ सकते हैं हम, या महंगाई कहेंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा, लिखने में थोड़ी सी आपको असुविधा होगी क्योंकि बार बार डेफिनेशन बोलना और इसमें काफ़ी समय भी खर्च हो जाएगा इंटरनेट पर, तो आपको समझ लीजिए नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स की आप चिंता मत करिए। तो यहाँ पर चलिए अब समझने की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमने मुद्रास्फीति की बात करी है, तो मुद्रास्फीति के कारण बता दिए, एक मांग जनित है और दूसरी लागत जनित। अब देखते हैं हम मुद्रास्फीति के प्रकार को, तो मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं, यानी महंगाई के कितने प्रकार होते हैं। तो यहां पर हमने कारण देखा था, अब मुद्रास्फीति के प्रकार देखते हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं, यानी कि ये चार प्रकार की होती हैं। पहली जो मुद्रास्फीति है, इस मुद्रास्फीति को हम कहेंगे दौड़ती मुद्रास्फीति। दूसरी जो मुद्रास्फीति है इसको हम कहेंगे मंद मुद्रास्फीति। इसको क्या कहेंगे हम, मंद मुद्रास्फीति। तीसरी जो है इसको कहते हैं हम चलती मुद्रास्फीति। और जो चौथी मुद्रास्फीति है इसको हम कहते हैं गतिहीन मुद्रास्फीति, या इसको इंग्लिश में स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। दौड़ती को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मंद को कहते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन, चलती को कहते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, और चौथा जो गति है इसको कहते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। यानी कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई के ये चार प्रकार हैं। बच्चों यहाँ समझना है, सबसे मूल बात है कि आपको समझना है, दौड़ती मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति और गतिहीन मुद्रास्फीति। यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है दौड़ती मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि ये सबसे बड़ा मुद्रास्फीति, यानी कि सबसे ज्यादा महंगाई वाला है, क्योंकि दौड़ना चलना धीरे धीरे मंद वाला हो गया, गतिहीन हो गया, दौड़ना सबसे तेजी होता है, मतलब इस वाले मीटर में, दौड़ने वाले मीटर में। तो जब मुद्रास्फीति इस तरीके से वहां पर हो जाए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि जो वहां के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, लोगों का उस देश की सरकार और उस देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की जो प्रचलित मुद्रा होती है उस पर से विश्वास ही उठ जाए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आप 1000 रुपये लेकर जाए और बाजार में जाए, आपको भूख लग रही है कि आपको एक समोसा मिल जाए, एक रोटी मिल जाए, और आपको एक रोटी एक समोसा भी नहीं मिला 1000 रुपये में, और लोग डिमांड करें कि 1000 में नहीं मिलती, 10000 रुपये में आपको एक समोसा मिलेगा, क्या आपको विश्वास रहेगा आपके जेब में जो पैसा है उनके ऊपर, क्या आपको अपनी सरकार पर भरोसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति को हम किस में डालते हैं, दौड़ती मुद्रास्फीति, इसी को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में महंगाई हो जाती है और लोगों का विश्वास उठ जाता है अपनी मुद्रा से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में ऐसा ही हुआ था, और अभी हाल के 2-4 साल पहले जिम्बाब्वे जो है, खास करके जिम्बाब्वे, वो इसी समस्या से गुजर रहा है, जिसको मैंने किस में कहा है, दौड़ती मुद्रास्फीति। यानी कि लोगों का क्या होता है, मुद्रा से विश्वास उठ जाना किसका,
यानी देश के जो नागरिक हैं उनका मुद्रा से क्या हो जाना, विश्वास उड़ जाना, इसी को हम क्या कहेंगे, दौड़ती मुद्रास्फीति। क्या कहेंगे, दौड़ती मुद्रास्फीति, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरी जो है मंद मुद्रास्फीति। मंद मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो विकसित देश होते हैं उन विकसित देशों की जो चीजें होती हैं, जैसे जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, तो वहां धीरे धीरे विकास के साथ क्या होता है कि चीजों में हल्की हल्की उनकी प्राइस जो होती है, कीमत जो होती है, उसमें हल्की हल्की वृद्धि होती है, थोड़ी थोड़ी महंगी होती जाती है, क्योंकि वो विकास भी कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और चीजें बन रही, तो उसमें हल्का महंगाई आता है लेबर वगैरह सब चीज में, तो उसको हम मंद मुद्रास्फीति के रूप में रखते हैं और इसका ज्यादा नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विकास के साथ विकसित देशों में ये धीरे धीरे आती है, तो इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद तीसरी होती है चलती मुद्रास्फीति। ये चलती मुद्रास्फीति जो होती है दौड़ती और मंद के बीच की जो स्थिति होती है, यानी एकदम ज्यादा महंगाई और एक बिल्कुल स्मूथ के बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसी को हम चलती मुद्रास्फीति या ग्लोबिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं बेटा कि चलती जो मुद्रास्फीति है ये दौड़ती और मंद के बीच की स्थिति है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट है कि इन दोनों की जो बीच की स्थिति होगी उसी को हम कौन सी मुद्रास्फीति कहेंगे, चलती, ना तो धीरे ना एकदम हाई, जो सेंटर की महंगाई यानी कि कुछ महंगाई। इसके बाद अगला है गतिहीन। अब गतिहीन जो होती है ये बड़ी जोरदार है और इससे परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज स्टैग इन्फ्लेशन या फिर गतिहीन मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, कई बड़ी परीक्षाओं में इस तरह से और जो छोटी परीक्षाएं होते हैं तो वहां पर गतिहीन मुद्रास्फीति जो है उससे कुछ क्वेश्चन बना देता है ऑब्जेक्टिव। ये गतिहीन मुद्रास्फीति आखिर होती क्या है इसे देखिएगा। दरअसल क्या होता है कि जब भी वैल्यू कम होती है पैसों की, मुद्रा की, तो बेरोजगारी कम होती है। यानी जब भी देश में महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, या फिर जो भी कहीं पर ज्यादा जिनके पास पैसा है, वो व्यक्ति क्या सोचता है कि यार पैसा बहुत है, एक एक्स्ट्रा आदमी रख लेते हैं। समझ में आ रही होगी आपको, यानी कि पैसा ज्यादा है तो कोई एक आदमी एक्स्ट्रा रख लेते हैं, बोले एक्स्ट्रा आदमी हो जाएगा तो उससे काम हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इस तरह की बातें मन में आती है, तो बेरोजगारी जनरली कम होती है। लेकिन मुद्रास्फीति में ये जो प्रकार है गतिहीन मुद्रास्फीति, स्टैग इन्फ्लेशन, ये वो टाइम होता है जहां मुद्रास्फीति की वजह से महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है, यानी कि महंगाई प्लस बेरोजगारी दोनों इंक्रीज होती है। और ऐसा कब होता है, जब वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम होने लगे, क्योंकि उत्पादन नहीं होने लगेगा तो सारा मैटर ही खराब हो जाएगा, और जब उत्पादन खत्म और उत्पादन नहीं हो रहा है और वस्तुओं की वैल्यू में कमी आ जाती है तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब होगा। और इस सिस्टम की वजह से बेरोजगार लोगों के पास उत्पादन नहीं है तो बोले यार काम ही नहीं है, क्या करेंगे लोगों को रखकर। तो ये जो चौथा प्रकार होता है इसको हम गतिहीन मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिहीन मुद्रास्फीति। और गतिहीन मुद्रास्फीति में महंगाई और दूसरा क्या है, साथ में बेरोजगारी, दोनों एक साथ बढ़ती है। जनरली जो महंगाई है मुद्रास्फीति में, चाहे दौड़ती हो, मंद हो, चलती हो, इन सब में बेरोजगारी कम होगी। लेकिन ये जो गतिहीन है स्टैग इन्फ्लेशन, इसमें जो है खास करके क्या होगा, बेरोजगारी साथ में बढ़ेगी। तो इस वाली इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैग इन्फ्लेशन। कुछ तकनीकी कमियां आ रही थी बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मास्टर आदमी इसके। चलिए अब आपसे कुछ एक खास सवाल पूछ लेता हूं मैं। चलिए प्लीज आप मेरे को देखो बेटा, प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपकी क्वेश्चंस की, कि मैंने चारों चीजें बताई है। मैंने बताया कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है बेटा, महंगाई, महंगाई, समझ में आ रहा ना। पिज्जा खिलाया कभी अपने शादी से पहले, जो संपर्क सूत्र हैं तो महंगा हो जाता है कभी कभी, तो आदमी कहता है यार ये चीज अपने बस की नहीं है। तो महंगाई मतलब मुद्रास्फीति, अब ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, मतलब इन सब चीजों पर ज्यादा गहरा अध्ययन आपने कर रखा है, हमें तो बस पढ़ाने दीजिए आप। तो मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं हम, तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, और मांग ज्यादा हो और आपूर्ति क्या हो जाए कम, यानी मांग जाना ज्यादा हो और डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो जाए कम, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति, सिंपल सी मैटर है। और यहाँ पर मैंने दो प्रकार का बताया, मांग
और दूसरा लागत, यानी कि चीज़ें महंगी बनेगी तो महंगी महंगी ही बिकेगी भी सही, और अगर बहुत ज़्यादा लोग मांगेंगे और कम होगी उपलब्ध, यानी कि कम बहुत कम होगी, एक हाथ होगी और 10-12 मांगने वाले हैं, तो चीज़ की क्या हो जाती है, वैल्यू बड़ी हो जाती है। बोले 10-12 मांग रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? तो जब उसकी डिमांड यानी कि मांग और दूसरा बता दिया आपको लागत, दोनों के आधार पर चार प्रकार बताए, दौड़ती हुई, मंद, चलती और गतिहीन। इसको कहते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, और इसको क्या कहते हैं, स्टैग इन्फ्लेशन। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, वस्तुओं की लागत, यानी वस्तुओं के बजाय मैं प्रश्न बन रहा हूँ, उत्पादों की लागत में वृद्धि की वजह से कौन सी मुद्रा स्फीति का जन्म होता है? पहला लागत मुद्रा स्फीति, दूसरा मांग मुद्रा स्फीति, तीसरा उपरोक्त दोनों, और आखिरी वाला इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या था, उत्पादों की लागत में वृद्धि, तो उत्तर क्या होगा, लागत जनित या मांग जनित? सिंपल सी बात है, क्या, लागत जनित। अब आपसे एक और सवाल, जैसे ये पूछा जाए वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आने की वजह से कौन सी समस्या का जन्म होता है? हिनार्थ प्रबंधन, मुद्रा अविस्पति, बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति, बताओ क्या होगा? वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आने की वजह से, यानी सप्लाई में कमी आने की वजह से कौन सी समस्या का जन्म होगा? अरे सिंपल सी बात है, मुद्रा स्फीति, यानी महंगी हो जाएगी। तो यही प्रश्नों के उत्तर है, और यहां से इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब मूल बात यह है कि जब एक देश में बेरोजगारी या इतना सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और महंगाई आ जाती है, और महंगाई का ये वाला पॉइंट आ जाता है गतिहीन, जैसे कि प्रश्न यहां से इस तरह से बनेगा, उपरोक्त में से कौन सी ऐसी मुद्रा स्फीति है जिसमें महंगाई के साथ बेरोजगारी की में भी वृद्धि होती है, और चार देगा आपको, दौड़ती हुई, चलती हुई, मंद और गतिहीन, क्या उत्तर है? गतिहीन, कौन सा, गतिहीन। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा इसको सरकार क्या करती है इसके लिए। तो क्या होता है कि बेटा मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं हम, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में आप अपने दोस्तों तक भी भेज सकते हैं इसको, तो ये कोरोना वायरस के प्रभाव से आप ग्रसित ना हो, आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, ठीक है? ईश्वर सबको सुरक्षित रखे और मस्त रखे। अब बात कर रहे थे मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति की कारण बताएं, प्रकार बताएं। अब देखते हैं हम मौद्रिक नीति को, तो सरकार क्या होती है, सरकार तो नहीं कहेंगे हम, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करती है, यानी सरकार क्या जारी करती है बच्चे, मौद्रिक नीति, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या होता है कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जो है, आरबीआई की बात कर रहा हूं, ये जो आरबीआई है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है, और ये क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, यानी कि मौद्रिक नीति का अर्थ यह होता है, मौद्रिक नीति का अर्थ यह होता है कि हमारी जो बैंकों की बैंक, यानी जो आरबीआई है, हमारी जो व्यापारिक बैंकें हैं जिसमें सारी की सारी बैंकें आ गई है, तो SBI, आपकी PNB, कोटक महिंद्रा, और अभी हाल फिलहाल में बेवफा हुई यस बैंक, डूब गई थी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है, पहले पंजाब नेशनल बैंक, अपने देश में चलता रहता है, हर 2-4-5 महीने में एक आध बैंक का कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ होता रहता है, कहीं पता चले कि किसी दिन हम गए बैंक से अपना पैसा निकालने और वहाँ ताला लगा हुआ और बोल दिया ये बैंक तो बंद हो गई, सेवा समाप्त। देख लेना, ध्यान रखना आप भी कि आपकी बैंक की वैल्यू क्या है, रियल में कुछ चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि निकलने वाली हो, ठीक है? पीछे विजय माल्या गया, नीरव मोदी गया, किसी दिन बैंक ही निकल ली, ठीक है? तो चलिए इधर आओ, तो क्या होता है बेटा कि जब महंगाई हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है। मौद्रिक नीति का सिंपल सा अर्थ होता है कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी, वो जो हमारी बैंकें हैं, क्योंकि देश में मुद्रा का हो प्रसार जो हो रहा है, जो आज हमारे पास पैसा आ रहा है, मुद्रा आ रही है,
इसका एक ही माध्यम है और वो बैंक है, क्योंकि हम लोग बैंकों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाता तो हम बैंकों में जमा करा देते, हमें आवश्यकता पड़ती तो हम लोन लेने चले जाते बैंकों के पास, मतलब बैंकों के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो आरबीआई जो क्या है, इन बैंकों का बैंक है और आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो आरबीआई क्या करता है कि भारत में बैंकों को दिए जाने वाले पैसे के, कोई समस्या आ रही है तकनीकी? अच्छा, तो जो मौद्रिक नीति है इसकी बात कर रहे थे हम। तो यहां पर जब आरबीआई क्या होता है कि बैंकों को अगर पैसा देगा तो ब्याज लेगा, या बैंकें अगर आरबीआई के पास जमा कराएगी तो आरबीआई को ब्याज देना पड़ेगा। तो इन सबको हम कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। और ये आरबीआई जो है, पहले मौद्रिक नीति साल में एक बार तय होती थी, बाद में विमल जालान की एक समिति गठित हुई और फिर ये 90 दिन हुई, फिर बाद में वाई वी रेड्डी समिति हुई, फिर ये 45 दिन हुई, और लास्ट में 2013 से, ये आपको नोट किया हुआ मैं भिजवा दूंगा, ये वाई वी रेड्डी और जो बोल रहा हूँ, 2013 से ये प्रत्येक 2 माह में निर्धारित होती हैं, प्रत्येक 2 माह में, यानी कि जो मौद्रिक नीति है हर 2 माह में जारी होती है, 2 माह में, मतलब 2 माह में क्या होता है, 2 माह में ये आरबीआई ये निर्धारित करती है कि जो व्यापारिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, इन व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले पैसे के ऊपर या जो ऋण दिया जा रहा है उस पर कितना ब्याज होगा, या ये बैंकें अगर अगर ये इसको दे रहा है तो इनसे ब्याज लेंगे व्यापारिक बैंकों को देना है, और अगर ये जमा करा रही किसके पास, आरबीआई के पास, तो आरबीआई इनको कितना देगा, ये सारा का सारा निर्धारण, यानी इनकी जो रेट होती है वो रेट कितने समय में बदलती है, अभी 2 माह के भीतर। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति का अर्थ क्या होता है, तो मौद्रिक नीति का अर्थ होता है कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों के साथ जो लेन देन ऋण उधार नकदी जमा जो करता है उसका निर्धारण होता है आरबीआई, और जो मौद्रिक नीति इसका निर्धारण कौन करता है, यानी कि आरबीआई करता है, और आरबीआई को सजेशन देती है हमारी सरकार, और सरकार के साथ एक केंद्रीय बोर्ड का गठन होता है, सेंट्रल बोर्ड कहते हैं उसे, और वो सेंट्रल बोर्ड ये डिसाइड करता है कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या जो आरबीआई है उसको हमारी मौद्रिक नीति में कौन सी रेट रखनी है और कौन सी रेट नहीं रखनी, मतलब उसकी एक रिकमेंडेशन होती है जो आरबीआई के पास आती है। अब आरबीआई इस मौद्रिक नीति में क्या क्या करती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों देखिए, मौद्रिक नीति की बात करते हैं, तो मौद्रिक नीति अपनी हाइट ठीक है ना, उसी वजह से, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और जो मौद्रिक नीति है इसके लिए आरबीआई क्या क्या करेगी, तो बेटा देखो सबसे पहले इस मौद्रिक नीति में एक आता है बैंक रेट, बैंक रेट मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मौद्रिक नीति जारी करती है, इसमें एक होता है बैंक रेट, दूसरा होता है बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, यानी कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैटिक लिक्विड रेशियो, इन दोनों को मैं लिख देता हूं। नगद आहरण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैटिक लिक्विड रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, ये 5 चीजें हैं जो हमारी आरबीआई का व्यापारिक बैंकों के साथ जो सिस्टम है उसमें जारी होती है। सबसे पहले लिखा है मैंने बैंक रेट, तो ये क्या होती है इसको देखते हैं बच्चे। बैंक रेट में क्या होता है कि जो हमारी व्यापारिक बैंकें हैं, व्यापारिक यानी कॉमर्शियल बैंक, इन बैंकों को आरबीआई जो होता है लंबी अवधि के लिए,
यहाँ पर लिखा है बच्चे मैंने लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि जो दीर्घकालीन अवधि हैं, यानी कि जो बैंकें हैं जैसे PNB हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, प्राइवेट बैंक में HDFC हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जो भी बैंकें हैं, और ये बैंकें लंबे टाइम के लिए एक ड्यूरेशन होता है लंबा टाइम, ऐसा कोई फिक्स नहीं, बट लंबे टाइम के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें उधार देती है और उस पर जो ब्याज लेती है उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो क्या होता है कि इससे महंगाई कैसे कंट्रोल होती है वो भी बताता हूँ आपको। कि जैसे कि RBI ने क्या किया बच्चे, RBI ने अपनी बैंक रेट को, RBI ने BR बैंक रेट को बढ़ा दिया। इस एरो का अर्थ होता है बढ़ाना और जब उल्टा होगा तो घटाना। यानी कि RBI ने क्या किया कि बैंक रेट को बढ़ा दिया, यानी जो अब ये लंबे समय के लिए ब्याज लेंगे बढ़ा लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो बैंक हैं बेटा, ये बैंक क्या करेंगे, ये ऋण जो है, बैंक ऋण क्या करेंगे, बैंक ऋण कम लेंगे घटाएंगे, सिंपल सी बात है। अब लोगों को, जनता को लोन क्या करेंगे, ये बैंकों के पास पैसा नहीं, क्योंकि बैंकों को ज़्यादा महंगा उधार मिल रहा है तो वो लेगी नहीं कि यार रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तकनीकी समस्या आ गई थी। चलिए, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा इधर, चलिए। तो RBI क्या करेगी, सिंपल सी बात है कि बैंक रेट, यानी कि बैंक रेट बढ़ा दी तो ये बैंकें जो हैं कम पैसा उधार लेगी, और ये कम पैसे उधार लेगी तो जनता को भी क्या देगी, कम देगी, क्योंकि बैंकों के पास है ही नहीं। तो बाजार में, यानी जो मार्केट है, वहाँ पर पैसा क्या हो जाएगा, कम उपलब्ध होगा, तो मुद्रा का प्रसार कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मुद्रास्फीति यहाँ पर क्या हो जाएगी, और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। मतलब एक रीज़न है कि ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि पैसे कम हो जाएंगे लोगों के। बात समझे होंगे आप, एक बार वो समझा देता हूँ कि RBI ने क्या किया कि लंबे समय तक जो बैंकें उधार लेती है वो अपनी ब्याज बढ़ा दी, तो बैंकें सोच रही कि वाह यार कम पैसा उधार लेते हैं, और जब बैंक कम लेगी तो सिंपल सी बात है कि अब हम लोग लोन लेने जाएंगे कि हमें लोन दे दो, तो वो उस समय उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि तो वो कहेगी रहने दो, या फिर महंगा देगी तो लोग भी कहेंगे यार रहने दो यार बहुत ज़्यादा ब्याज लग रहा अभी, और फिर मार्केट में हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, जैसे कोई मकान नहीं बनाएगा, कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा कि यार बाद में खरीदेंगे बहुत महंगाई है। तो जब इतना सारा काम नहीं होगा तो मार्केट में पैसे की वैल्यू जो है, खास करके उसका प्रसार जो है, वो कम हो जाएगा क्योंकि मुद्रा की उपलब्धता कम हो जाएगी और लोग अपना काम उस समय पोस्टपोन कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो डिमांड में कमी आ जाएगी, तो इस वजह से क्या कम हो जाएगा, जो खास करके बैंक रेट बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि मुद्रास्फीति में कमी आ जाती है। और RBI इसको, इस रेट को मैंने बताया कि हर 2 माह में ये सब जारी करती हैं कि वो क्या होना चाहिए, समझ में आ गया। और ये जब कम करेगी, यानी कि कभी उसे लगा कि मार्केट में एकदम सस्ता है, मुद्रास्फीति नहीं है, तो वो कम कर देगी तो बैंकें वैंकें सब बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है और वो इजीली लोगों को भी दे भी देती है। तो ये एक माध्यम है बैंक रेट। दूसरा जो होता है रेपो रेट, इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है, ये दीर्घकालीन था, ये अल्पकालीन है। अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए, यानी कि ये ज़्यादा समय के लिए था, ये किसके लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए। यानी सिंपल सी बात है कि जब कुछ समय के लिए, यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, या बहुत कम टाइम के लिए जो बैंकें उधार लेती हैं RBI से, तो उसके ऊपर जो खास करके रेट है। अब बैंक RBI ने क्या किया कि इसको बढ़ा दिया, रेपो रेट को, RRR कहते हैं इसको। जब इसको बढ़ा दिया तो सिंपल सी बात है कि बैंक सोचेगी वाह ठीक है अभी रहने दो यार, अभी क्या लेना जरूरी है, और फिर वो बैंक कम लेगी तो लोगों को कम देगी और बाजार में पैसा कम पहुंचेगा और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो इसी को हमने क्या कहा था, रेपो रेट। क्या कहा है, रेपो रेट। कि भैया RBI ने क्या किया, वहां पर सेम था, वहां बैंक रेट था, यहां पर कौन सा है, रेपो रेट को बढ़ा दिया। तो जो बैंक जो है, ऋण क्या करेगी, कम होगा, और जनता को भी ऋण क्या होगा, जनता को ऋण क्या होगा, कम होगा, और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा का प्रसार कम होगा, मार्केट में उपलब्धता कम होगी और मुद्रास्फीति हो जाएगी, समझ में आ गया। ये दूसरा था रेपो रेट। अब इसके बाद तीसरा है, RRR भी कहते हैं इसको, RRR, रिवर्स रेपो रेट।
कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीआई से हमेशा बैंकें उधार ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। बैंकों के पास अच्छा पैसा आ जाए या बैंकों के पास पैसा अपने व्यापारिक कामकाज के अलावा अतिरिक्त मुद्रा उपलब्ध हैं, तरलता ज़्यादा हो गई है और वो आरबीआई को कह रही कि ठीक है आप हमें क्या उधार दोगे, हम आपको उधार देंगे। कभी कभी हो जाता ना ऐसा। तो अब मान लीजिएगा अब कौन उधार दे रही है, अब हमारी बैंक उधार दे रही है। कौन दे रही है और किसको दे रही है? आरबीआई। या उधार नहीं भी दे रही है, आरबीआई को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आरबीआई ऐसा चाह रही है, लेकिन बैंक अपनी अतिरिक्त मुद्रा की तरलता को या ज़्यादा पैसा बैंकों के पास है उसको आरबीआई के पास जमा कर रही है। तो क्या होता है कि जब जमा करती हैं तो अब आरबीआई के पास जमा है तो वो बैंकों को ब्याज देगा। अभी तक ब्याजें बैंक दे रही थी इन दोनों में, लेकिन इसमें ब्याज कौन देगी? आरबीआई देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है कि वो ब्याज दर निर्धारित कर देगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी ये कर दे कि उसने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया कि भैया 6% था तो उसने 10% कर दिया, तो बैंकें क्या होगी? खुश हो जाएगी, यार ये जोरदार काम है, अभी एकदम बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है और हमें आरबीआई के पास जमा कराना चाहिए, और तुरंत आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा जमा कराएंगे। तो क्या हो रहा है कि अब आरबीआई के पास ज़्यादा जमा हो रहा है। अब आरबीआई ऐसा ही करती हैं क्योंकि आरबीआई को जानती कि बैंकों के पास पैसा रहा तो बैंकिंग लोगों को ज़्यादा पैसा उधार देगी, क्योंकि बैंकों की कमाई का एक ही माध्यम है, और लोगों को देंगे तो लोग क्या करेंगे? मकान खरीदेंगे, गाड़ी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है तो लोग बड़े इतराते हैं। आप भी इतराते होंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा होता तो आदमी इतराएगा ही, क्योंकि करेगा क्या? अब वो अलग बात है, अभी पैसा भी है बट कोरोना वायरस है तो आदमी कम इतरा रहा है, लेकिन फिर भी करता है थोड़ा बहुत नाटक। तो मूल बात ऐसी है कि जो हम बात कर रहे हैं कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो काम होता है। अब आरबीआई चाहती है कि यार पहले तो बाजार में महंगाई है, ऊपर से लोगों पर और पैसा आ जाएगा, लोग कहेंगे कि लो दे दो, उससे गरीब आदमी को बहुत नुकसान होता है, एक मजदूर होता है, किसान होता है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या जो उत्पादन नहीं है, जिनके पास वो चीज़ें नहीं है उनके ऊपर उनके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तो आरबीआई ये चाहती है कि बैंकों का पैसा हमारे पास, तो आरबीआई क्या कहती है? ब्याज बढ़ा देती है, तो बैंकें बड़ी खुश होती है, एक्साइटेड होती है और सारा का सारा पैसा अपना किसके पास जमा कराना शुरू कर देती है? आरबीआई के पास। और आरबीआई उनको बदले में क्या देती है? ब्याज देती है। तो क्या होती है कि जैसे ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो आरबीआई में क्या होगा बेटा? आरबीआई में व्यापारिक बैंक की जमा बढ़ेगी और जनता को ऋण कम होगा, सिंपल सी बात है, और मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा अगर ये बैंकें आरबीआई के पास जमा ना करेगी तो ये किसको देगी? जनता को देगी, चूंकि ये पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को, तो अब किसको नहीं देगी? जनता को नहीं देगी। तो सिंपल सी बात है, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब बेटा एक और दूसरी चीज है, CRR, ये क्या होता है? नगद आहरण अनुपात। तो इसको देखते हैं, नगद आहरण अनुपात। तो नगद आहरण अनुपात जो होता है इसको इस तरह से समझो आप कि जब भी कोई बैंकिंग कारोबार करती है, तो कोई भी बैंक हो जिसको बैंकिंग कारोबार करना है, तो बैंकिंग कारोबार करने के लिए उस बैंक को अपनी एक तरह से सिक्योरिटी समझ लो या गारंटी हो या कुछ भी समझ लो, उसको एक नगद कैश रूप में आरबीआई के पास जमा कराना होता है, और उस पर ब्याज नहीं मिलता बैंकों को, क्योंकि बैंक कर रही है, पता चले कल निकल ली भैया झोली झंडे लेके अपना लोगों की जमा, बोले बैंक बोले ये भैया देना बैंक, ये यस बैंक, ये बैंक वो बैंक, और बोले आ जाओ खाता खुलाओ, लोगों ने जमा किया थोड़े दिन में निकल ली। RRR नहीं आया बेटा, इस RRR को मैं एक बार वो समझा देता हूँ, ठीक है, CRR पर आते हैं। चलो फिर से बच्चे ने क्या नाम है इनका? नीरज भैया, देखो रेपो रेट में क्या था कि बैंक के उधार ले रही थी आरबीआई से, मान लीजिएगा मैं आरबीआई हूँ और आप बैंक हैं, तो आप उधार ले रहे थे अभी तक, और आप उधार ले रहे थे तो ब्याज किसको? आपको देना है, तो उसको हमने रेपो रेट कहा, मतलब आप मान लीजिए SBI और मैं RBI। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप SBI हैं और मैं RBI हूँ,
अभी तक आप उधार ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुझे जरूरत है आरबीआई को, या मेरे पास जरूरत नहीं, आपके पास पैसा ज्यादा है और आपका पैसा मेरे पास जमा हो रहा है, तो ब्याज मुझे देना होगा कि आपको देना होगा? अब मुझे देना होगा, यानी ये आरबीआई अब किसको ब्याज देगी? एसबीआई, सिंपल सी बात है। और वही कि जब ज्यादा मैं बढ़ा दूंगा कि चलो मैं 2% ब्याज नहीं दूंगा, 4% दूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे, एसबीआई खुश हो जाएगी कि यार ज्यादा देना, तो सिंपल सी बात है कि फिर वो ज्यादा जमा करा देगी मेरे पास। तो उनके अपने लोगों को लोन नहीं बांट के वो किसके पास जमा कराएगी? आरबीआई के पास। तो इसमें आरबीआई उल्टा ब्याज देते, इसीलिए इसको रिवर्स कहते हैं, उल्टा गियर लगता ना पीछे की तरफ, गाड़ी हमेशा आगे जा रही है, यानी यहाँ बैंकों को ब्याज देना है, यहाँ आरबीआई ब्याज दे रही है, इसलिए इसको रिवर्स कहा है, उल्टा। समझ में आ गया आपको? और यही कहानी है, और इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा, नहीं और कोई दिक्कत है तो बताइएगा मेरे को, ठीक है? नीरज, नीरज समझ आया कि नहीं? आ गया? कमेंट करके बताइए आया कि नहीं। प्रतीक के समझ में आ गया, लेकिन प्रश्न नीरज ने पूछा था। ठीक है, मतलब ठीक है या समझ में आ गया? वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं बेटा, घबराने का नहीं है, ठीक है, आ जाएगा समझ में। कुल मिला के इसको आरबीआई देती है, ठीक है। चलिए इधर, तो इधर रिवर्स रेपो रेट हो गया। इधर आते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो पर। क्या होता है कि जो बैंकें होती है बेटा, बैंकों को बैंकिंग कारोबार करने के लिए अपना पैसा एक गारंटी के रूप में आरबीआई के पास जमा कराना होता है, और उस नगद पैसा होता है, इसलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जब कभी बैंकिंग कारोबार कराने के लिए ऐसी गाइडलाइन जारी हो जाए कि भैया पहले बोले 500 करोड़ जमा के आप करा के बैंकिंग कारोबार कर सकते हैं, और अब कह दिया कि नहीं 500 करोड़ नहीं करेंगे आप, 1000 करोड़ आपको जमा करना है, तो सिंपल सी बात है कि 500 करोड़ और अब ज़्यादा फालतू के जमा कराने पड़ेंगे ना। तो वो 500 करोड़ अगर नहीं जमा कराने होते तो 500 करोड़ लोगों को देती बैंकें और उधार देती, और पैसा सारा मार्केट में आता और मार्केट में पैसों का प्रसार पड़ता। तो जैसे ही सीआरआर में वृद्धि हो जाती है तो सिंपल सी बात होती है बैंक के पास कैश क्या हो जाता है, बैंक की ऋण क्या होगा, जनता को ऋण क्या होगा, कम मिलेगा, और मुद्रा स्फीति की जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आज हमने चौथी बार जो है इन्फ्लेशन को क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। पहली बार इन्फ्लेशन को हमने बैंक रेट के माध्यम से कंट्रोल किया, दूसरा रेपो रेट के माध्यम से, तीसरा रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, और चौथा कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से। समझ में आ रहा आपको? अब इसके बाद लास्ट जो है SLR, सांविधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है, इसको स्टैटिक लिक्विड रेशियो कहते हैं बेटा, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ नकदी जमा कराना पड़ रहा था, यहाँ पर क्या होता है कि नकदी जमा नहीं कराना होता है, सरकारी प्रतिभूतियां जमा करानी होती है। एक वर्ड बोला है मैंने, शायद दिख रहा होगा आपको, सरकारी प्रतिभूतियां। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या होती है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे कि बॉन्ड पेपर, स्टाम्प पेपर, जो आपने स्टाम्प पेपर वगैरह देखे ना, तो वो होता है कि जिसमें पैसा नहीं होता लेकिन 100 रुपये का स्टाम्प है, 100 रुपये का बॉन्ड पेपर है, ट्रेजरी बिल हो गया, इन सबको हम सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं। तो सरकार क्या करती है कि बैंकों को इस तरह से SLR जारी करती है कि आपको इतनी सरकारी बॉन्ड पेपर और इस सबको एक एज ए सिक्योरिटी के पेपर के रूप में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के रूप में SLR के रूप में आपको करना है। और जैसे ही SLR में वृद्धि होगी, तो चूंकि बैंकों को तो अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अपना जो उनके पास, यहाँ पर कैश खरीदना पड़ रहा था, यहाँ पर स्टाम्प पेपर खरीदने, बात वही है, यानी कि आपसे कोई कहे कि 100 रुपये दे दो, तो आपने 100 रुपये दे दिए सीधे नगद, तो CRR हो गया, लेकिन आपको ये कहा कि 100 रुपये मत दो, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लाके जमा करा दो, अरे तो भैया वो भी तो आपको 100 रुपये में मिला ना, तो वो जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीद रहे आप, वो कहाँ आ गया, SLR में। तो जैसे SLR में वृद्धि होगी बच्चे, तो बैंकों को उनके पास जो उनकी लिक्विडिटी लिक्विड है, पैसों की जो तरलता है वो कम हो जाएगी, और वो जनता को पैसा कम देगी, और जनता के पास पैसा कम है तो बाजार में पैसा कंट्रोल होगा, एक तरह से मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाती है। तो बेटा हमारी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, हमारी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो बेटा हर 2 माह में, कितने में, हर 2 माह में मौद्रिक नीति जारी कर महंगाई को कंट्रोल करती है। इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम,
कि बेटा जब लंबे समय के लिए व्यापारिक बैंकों को उधार दिया जाता है और उस पर जो ब्याज लेती हैं आरबीआई उसको हम बैंक रेट कहते हैं, और वही जब हम कम समय के लिए, किसके लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो पैसा लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। और जब बैंकें आरबीआई के पास जमा कराती हैं, उधार नहीं लेती हैं, और आरबीआई उल्टा उन बैंकों को पैसा उधार देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सीआरआर अभी आ रहा है, कैश रिजर्व रेशो, बैंकों को बैंकिंग कारोबार करने के लिए, यानी कि कोई भी बैंक, नई बैंक ओपन करनी है, जैसे प्रतीक को नई बैंक ओपन करनी है, तो बेटा अगर आपको नई बैंक स्टार्ट करनी है तो अब ऐसे तो है नहीं कि आप कर दोगे, उसके लिए क्या होता है कि गारंटी के रूप में कुछ तो जमा कराना पड़ेगा सिंपल भाषा में। और जब नकदी, और वो आपको कहा जाएगा आप 1,000 करोड़ जमा कराओ, नकदी इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि कैश नोट लेके जाना, मतलब नगद पैसों की बात कर रहे हैं, मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो जब आप नकदी रूप में जमा करवाओगे, यानी कि व्यापारिक कारोबार करने के लिए उसकी एक राशि निर्धारित कर दी कि इतना करोड़ आप जमा कराएंगे तो ही आप बैंकिंग कारोबार कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, तो वो जितनी राशि ज़्यादा होगी आपके पास मुद्रा की उपलब्धता उतनी ही कम होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद रूप में आरबीआई बैंकों को कहता है कि आपको बैंकिंग कारोबार करना है तो आप इतना हमारे पास जमा कराओ, और वही होता है कैश रिजर्व रेशियो। और अगला एसएलआर है जिसमें नकदी मुद्रा का फॉर्म ना होकर कुछ चीजें होती हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, जैसे स्टाम्प पेपर हो गया, सिक्योरिटी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसी को सर हिंदी में सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं, इनको जमा कराना होता है तो इसको हम सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। अब बेटा यहां से कुछ सवाल जो परीक्षा में बनते हैं उन्हें देखिएगा थोड़ा सा कि परीक्षा में कैसे सवाल बनता है, आप मेरे को उत्तर दीजिए। अल्पकालीन समय के लिए बैंकों को दिए गए उधार को इनमें से किसके द्वारा प्रकट करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या एसएलआर, बताइए जल्दी बताइए। अल्पकाल के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, कमेंट करिए जल्दी से, मैं सबका कमेंट्स पढ़ के बता देता हूं, मैं देखता हूं कौन कौन समझदार है। ये गुड, वर्षा भाटी बैंक रेट, अरे नीरज शर्मा रेपो रेट, दुर्गेश मलासिया बैंक रेट, चलो एक बार और बताओ, आगे आगे चलो, वर्षा काटी रेपो रेट, प्रतीक टेलर रेपो रेट, और बताओ, चलो करो करो कमेंट करो, आपका नाम आ रहा है, उमेश माली बैंक रेट, मेरे को लगता है सोते सोते दिख रहा है, देखिए दाल बाटी खा रहा है क्या उमेश घर पर, कुछ भी, अजय प्रजापति रेपो रेट, दुर्गेश मलाशिया रेपो रेट, हाँ अब ठीक है, रेपो रेट। बेटा अल्पकालीन समय के लिए क्या कहेंगे इसको, कम टाइम के लिए, ये लिखा तो है अल्पकाल के लिए, क्या है, रेपो रेट। और अब अगला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगला सवाल बताइए मेरे को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करती हैं प्रत्येक एक वर्ष में, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, बताओ प्रश्न का उत्तर, देखो आपका सब आपका चल रहा है मेरे पास, जल्दी बताइए, मौद्रिक नीति आरबीआई कितने समय में जारी करती हैं, 1 वर्ष 2 महीना, 6 महीना या 4 महीना। नीरज शर्मा 2 महीना कह रहे हैं, दुर्गेश भी 2 महीना, अजय भी, गिरजा चौहान भी 2 महीना, वर्षा भी 2 माह, हाँ मतलब सबको समझ में आ गया, हर 2 माह में, स्टार्टिंग में कितना होता था, 1 साल के लिए। चलिए अब एक और बताइए मेरे को, लिख के बताइएगा कि वस्तुओं की मांग व आपूर्ति में असंतुलन की वजह से पैदा होती है मुद्रा अविस्पति, मुद्रा अविस्पति, दूसरा मुद्रा स्फीति, तीसरा विमुद्रीकरण, मतलब विमुद्रीकरण हो जाता है, चौथा क्राइसिस, बेरोजगारी पैदा होती है, बेरोजगारी बोल दो, बेरोजगारी पैदा होती है, मुद्रा स्फीति पैदा होती है, मुद्रा अस्फीति पैदा होती है, या जो है खास करके विमुद्रीकरण हो जाता है, मतलब इकोनॉमी की टर्म है, तो बताइए वो इनमें से क्या होता है, वस्तुओं की आपूर्ति और मांग में असंतुलन के कारण क्या होता है। अजय प्रजापति,
मुद्रा स्फीति, दुर्गेश मुद्रा स्फीति, छवि नागोरा, तो मैं वो पुराना अभी शिवदत्त परिया मुद्रा स्फीति, ठीक है ठीक है, सब लोगों का उत्तर बहुत मुद्रा स्फीति, ठीक है सब सही बता रहे हैं। तो बेटा ये जो है खास करके मैंने अभी आपको बताया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि दो तीन चीज़ें और आपको बता देता हूँ। सरकार क्या करती है बेटा कि सरकार ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR। अब बेटा अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ, उससे पहले इसको एक बार साफ कर देता हूँ। वो ऐसे करके है ना लाइक वाला, उसको भी दबाना है, चलो नहीं भी दबाओगे तो कोई बात नहीं, बट दबा तो दबाना है, तो ठीक है। अब बेटा एक होता है सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती, सस्ती मौद्रिक नीति, और दूसरी होती है इसको हम कह सकते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि सरकार जो होती है, मतलब दो प्रकार की टर्म्स होती हैं ये, कि एक तो सस्ती मौद्रिक नीति, दूसरी महंगी मौद्रिक नीति, तीसरा और बता देता हूँ खुला बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और चौथा होता है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, इसको कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और इसी फिस्कल पॉलिसी के साथ आएगा हिनार्थ प्रबंधन, हिनार्थ प्रबंधन। ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई है, पहले बताया आपको चीप मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा बताया है स्ट्रॉन्ग ओपन मार्केट ऑपरेशन, राजकोषीय नीति और हिनार्थ प्रबंधन। तो क्या होता है कि बेटा ये सारी टर्म्स हैं जो मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में आती है, और इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सस्ती मौद्रिक नीति ये क्या होती है, तो बेटा मौद्रिक नीति तो अभी बताया, यानी कि क्या करती है कि हमारी सरकार या RBI जब ये चाहती हैं कि जो हमारे उद्योग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, इन सबको बड़ी आसान शर्तों पर, बहुत आसान तरीके से, बहुत बिना किसी दिक्कत के, बहुत इजीली पैसा उपलब्ध हो जाए, और उस समय जो वो पॉलिसी अपनाती है यानी अपने तौर तरीके अपनाती हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है उद्योगों को, व्यवसायों को, इन सबको बढ़ावा देना, ताकि इन सबको बढ़ावा मिले। तो वो बैंक रेट और अपनी जो रेपो रेट वगैरह जो होती है सारी उसी हिसाब से रखती हैं, ताकि कम हो और लोगों के पास पैसा, ऋण उपलब्ध हो, बैंकें जल्दी करवा दे, और लोग जो हैं जल्दी से व्यवसाय और उद्योग धंधे करें। तो ऐसी नीति को हम क्या कहेंगे, सस्ती मौद्रिक नीति। समझ में आया, यानी कि यहाँ पर RBI का मूल उद्देश्य होता है उद्योग और व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ईजी शर्तों पर, बहुत आसान शर्तों पर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना, ताकि बैंक के लोगों को और व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध करा दे। तो ऐसी को कहेंगे हम सस्ती मौद्रिक नीति। और जब कभी महंगाई हो जाती है, और महंगाई हो जाने की वजह से जो खास करके बाजार में जब मुद्रा का प्रसार ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और सरकार चाहती है कि उस पर कंट्रोल हो, तो RBI उसके लिए अपनी चीप मॉनेटरी पॉलिसी जो है खास करके उसके बाद स्ट्रॉन्ग करती है, और चीज़ों को थोड़ा सा कर देती मजबूर, और थोड़ी सी शर्तें बहुत ज़्यादा तेज कर देगी, शर्तों को ऐसा कर देगी कि लोगों को इजीली पैसा नहीं मिले, यानी बैंकों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, और तो बैंकों को दिक्कत आएगी तो सिंपल सी बात है पब्लिक को नहीं मिलेगा, जो अभी तक आपको मैंने बताया है। तो वहाँ पर मूल उद्देश्य होता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, बाजार में मुद्रा का प्रसार ज़्यादा हो गया है तो थोड़ी सी शर्तें मजबूत हो जाती है, या शर्तें थोड़ी कठिन होती है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है लोगों को पैसा उधार मिलने में, तो लोग अपना काम धंधा उस समय पोस्टपोन कर देते हैं, तो उसको हतोत्साहित किया जाता है ताकि बाजार में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। यानी कि ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार इस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाती है। और ये खुला बाजार प्रचलन क्या होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां भी बताया मैंने आप सबको, तो स्टाम्प पेपर, ट्रेजरी बिल और ये सारी चीज़ें, इनका बाजार में जो क्रय और विक्रय होता है उसी को हम खुला बाजार प्रचलन कहते हैं। यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का
क्रय और विक्रय, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, खुला बाजार प्रचलन कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद लास्ट में जो लिखा है मैंने, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में तीन चीज़ें मुख्यतः डिस्कस होती हैं, और इसमें तीन चीज़ों में, एक होती हैं आय, सरकार की आय, दूसरा होता है व्यय, और तीसरा होता है करारोपण, टैक्सेशन। करारोपण इसको कहते हैं टैक्सेशन, यानी सरकार की आय, जैसे बजट बनता है, सरकार की इनकम के जो स्रोत हैं उसमें सरकार कौन सी पॉलिसी बना रही है, सरकार अपनी इनकम के लिए क्या क्या तैयार कर रही है, कौन कौन से सोर्स तैयार कर रही है, तो वो सरकार के जो पैसे खर्च होते हैं विभिन्न योजनाओं पर, तो सरकार व्यय के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रही है, और जो टैक्स हैं यानी कि लोगों के ऊपर जो कर लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, आजकल जो जीएसटी अभी बहुत चल रहा है, तो जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, उनको लेकर सरकार के क्या रवैये हैं। जैसे बजट में आप देखते होंगे कि यार इस बार टैक्स की इतने इतने इतनी राशि को टैक्स फ्री कर दिया, इसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, उसको लगेगा, तो वो क्या होता है, उन सब चीज़ों से उन चीज़ों को प्रमोशन मिलता है, और किस चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो उनको प्रमोशन मिलने के बजाय वो हतोत्साहित हो जाती है, वो मतलब ठीक है डिमोटिवेट होती है। तो वो क्या होता है कि सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, और इन सबको हम राजकोषीय नीतियों में शामिल करते हैं। तो मूलतः तो ये तीन चीज़ होती है, लेकिन इसमें चौथी जो चीज़ ऐड हो जाती है वो हिनाद प्रबंधन हो जाता है। ये हिनाद प्रबंधन क्या होता है, हिनाद प्रबंधन का अर्थ ये होता है बच्चे कि जब सरकार आरबीआई से उधार लेती है, किससे लेती है बेटा, आरबीआई से उधार लेती है, यानी बेटा क्या होता है कि आरबीआई के पास जो अपना माल है और सरकार है, तो सरकार क्या करेगी कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बना दी, या सरकार ने अपनी वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर पैसा इस तरह से खर्च कर दिया कि अब सरकार के पास पैसा है नहीं लोगों के कल्याण के लिए खर्च करने के लिए, और ऐसे में सरकार को कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो हमारी सरकार जो है खास करके आरबीआई से उधार लेती है। तो उस पैसे को जब आरबीआई उधार लेती है और आरबीआई जो है सरकार से बदले में ब्याज लेता है, तो जब ब्याज लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हिनाद प्रबंधन कहते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है बच्चे, हिनाद प्रबंधन कहा जाता है, यानी कि आरबीआई सरकार से पैसा यानी ब्याज लेती है, क्योंकि सरकार उधार लेती है किससे, आरबीआई से, और उसके ऊपर जो ब्याज लेती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हिनाद प्रबंधन कहते हैं। और इन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, राजकोषीय नीतियों के अंदर करते हैं, और बाद में बेटा इनके आधार पर कई सारे घाटे, सरकार का घाटा है कि नहीं है, ये सारा का सारा वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन इन सबको हम एक नया चैप्टर है जिसका नाम है लोकवित्त सार्वजनिक, जो लोकवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस कहते हैं उसे, पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में सारा पढ़ेंगे कि सरकार के पास आता कैसे, सरकार खर्च कैसे करती है, कौन से केंद्र सरकार के टैक्स है, कौन से राज्य सरकार के टैक्स है, कौन से प्रत्यक्ष कर होते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, कहाँ सरकार का राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, और इन सभी प्रकार के घाटों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने मुद्रास्फीति को पढ़ा, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, रिविजन करा रहा हूँ, सारे लोग फोकस करिएगा। राजकोषीय नीति में सरकार जो है अपने कामकाज के लिए, सरकार की अपनी आय के लिए, जैसे बजट में वो क्या क्या करना चाहती है जिससे सरकार की आय बढ़े, और साथ ही सरकार अपने बजट में अपनी जो योजनाएं वगैरह घोषणा कर रही हैं कि ये योजनाओं पर इतना खर्च करेंगे, तो उनके व्यय और साथ में लोगों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, इन सबको मिलाकर जो अपनी पॉलिसी बनाती है, अपने कामकाज का तौर तरीका निर्धारित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा कि सरकार को अगर कभी बीच में पैसा कम पड़ गया और आरबीआई से उधार ले रही है और आरबीआई ब्याज लेगी, तो उसको हिनाद प्रबंधन कहते हैं। तो राजकोषीय नीति में सरकार की आय, सरकार का व्यय, सरकार के द्वारा जो लोगों पर टैक्सेशन यानी जो कर लगाए जा रहे हैं, और हिनाद प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है, और इसको इसके संबंध में सरकार अपनी नीतियां निर्मित करती हैं। समझ में आ गया बच्चे, तो ये है राजकोषीय नीति। तो मुद्रास्फीति का जो आज चैप्टर पढ़ा है बेटा, इस मुद्रास्फीति के चैप्टर को लगभग अभी हमने कवर किया है और लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। इसका नोट्स अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और वैसे आप इसको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा तो बाद में आप देख भी सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उसके अपलोड हो जाने के बाद भी कमेंट्स कर सकते हैं आप, और इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। अब मूलतः ये तो बात हुई, लेकिन अभी एक रिविज़न करते हैं, मास्टर रिविज़न जो मैं हर बार आपको क्लास में कराता हूँ। तो मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है, आम बोलचाल की भाषा में महंगाई, और महंगाई कितने कारण से होती है, दो प्रकार से होती है, या तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाए इस वजह से महंगी हो सकती है वो,
या उन वस्तुओं के निर्माण में उसकी उत्पादों की जो लागत है यानी कि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसकी लागत की वजह से। तो दो प्रकार के, एक मांग जनित और दूसरी लागत जनित, चार प्रकार की होती है। सबसे पहले दौड़ती हुई यानी लोगों का विश्वास ही उठ जाए, इतनी ज्यादा महंगी हो जाए चीजें, जो जिम्बाब्वे में हुई थी या जर्मनी में हुई है, जो मैंने आपको बताया भरोसा बहुत जरूर से ज्यादा महंगा मन, यानी जो विकसित देशों में चीजें महंगी होती हैं विकास के साथ धीरे धीरे। और बीच में बताया था दौड़ती हुई कि जो एकदम जो खास करके हाइपर है और मंद है उसके बीच की जो है उसको हम दौड़ती हुई कहते हैं। और जो लास्ट मैंने आपको अंतिम बताया था, और वो अंतिम क्या बताया बच्चे, लास्ट अंतिम बताया था गतिहीन, कि भैया साथ में बेरोजगारी भी बढ़ाती हो, महंगाई भी और बेरोजगारी जब दोनों एक साथ बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे, गतिहीन मुद्रास्फीति कहेंगे, और जो बहुत खतरनाक होती है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता है कि उत्पादन हो ही ना, उत्पादन एकदम भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लास्ट हो जाए कि यार उत्पादन हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो लोगों की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर बड़ा दिक्कत होता है, बेरोजगारी भी हो जाएगी, चीज़ें महंगी भी हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है और ऊपर से चीज़ें उपलब्ध नहीं है, उत्पादन हो नहीं रहा है, तो लोगों को रख के क्या करेंगे, तो ऐसे में बेरोजगारी भी साथ में पड़ती है। अब सरकार इनको रोकने के लिए हर दो महीने में, सरकार नहीं सॉरी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी भी प्रश्न पूछता कि मौद्रिक नीति कौन जारी करती है, तो RBI करती है, इसका उत्तर RBI होगा। तो RBI हर दो महीने मौद्रिक नीति जारी करती है, जिसमें बैंक रेट यानी कि जो लंबे समय के लिए व्यापारिक बैंकों से RBI उधार लेता तो उसे बैंक रेट कहते हैं, कम समय के लिए व्यापारिक बैंकों से RBI जो उधार देकर जो ब्याज लेता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और RBI के पास जब बैंकों का जमा होता है यानी कि जब बैंकें RBI के पास जमा कराते हैं और RBI उल्टा उस पर ब्याज देता है यानी बैंकों को जब ब्याज मिलता है तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज RBI देती है और बैंकों को अपनी जमा के बदले ब्याज प्राप्त होता है। इसके अलावा बैंकिंग कारोबार करने के लिए कुछ नकद जमा कराना होता है जिसे हम CRR कहते हैं, और जो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सरकारी सिक्योरिटी के रूप में जो जमा कराना होता है उसको हम SLR कहते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा खुला बाजार प्रचलन, सरकारी प्रतिभूतियां जो होते हैं स्टाम्प पेपर, इनका क्रय और विक्रय क्या कहलाता है, खुला बाजार प्रचलन कहलाता है। एक होती है चीप मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम कह सकते हैं कि सस्ती मौद्रिक नीति, जिसमें उद्योगों व्यवसायों आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकार करती है तो सस्ती, और महंगी का अर्थ है कि जब इनको खास करके कम देना होता है, पैसे कम वगैरह देना होता है तो उसके आधार पर जो जारी होती है तो उसको कहते हैं महंगी मौद्रिक नीति। इसके अलावा राजकोषीय नीति, जिसमें सरकार अपनी नीतियों में सरकार अपनी आय के लिए, अपने व्यय के लिए और नागरिकों पर जो कर लगाती है करारों पर और हिनाक प्रबंधन, इनको मिलाकर राजकोषीय नीतियों को तैयार किया जाता है। तो हिनाक उधार लेती है और RBI बदले जो ब्याज लेती हैं तो उसे हिनाक प्रबंधन कहते हैं। तो इनकी और ज़्यादा विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए इतना सफिशियंट है, और मुद्रास्फीति के संबंध में ये चैप्टर आपका कवर हुआ है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी दिक्कत को समझ सकूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आगे की जो क्लास है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।